पाकुड़ झारखंड का एक छोटा सा शहर है, जहां छात्र अध्ययनशील तो है लेकिन उन्हें बेहतर करियर अवसरों के बारे में जानकारी नहीं है। पाकुड़ जिले में ऐसे कई बच्चे हैं जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने या करियर के बारे में कोई जानकारी नहीं होने के कारण भविष्य के करियर को लेकर असमंजस में हैं। पाकुड़ के माननीय जिला आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार बन्नेवाल ने हमें एक करियर मार्ग प्रदान करने की अनुमति दी है और हम इसके लिए उनके बहुत आभारी हैं। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को मेरी मेंटर के सहयोग से अपने करियर लक्ष्य को खोजने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। आज हम इस जिले के छात्रों की जीवनी देखेंगे और देखेंगे कि वे इस करियर काउंसलिंग की मदद से अपनी करियर के लक्ष्य को कैसे चुनने में सक्षम हुए हैं। मेरा नाम करीना कुमारी है, मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम प्लस टू हाई स्कूल लेडी पड़ा है। एक मैम आई थी जो करियर काउंसलिंग के बारे में बता रही थी। मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा मेरे हम लोग चार भाई बहन हैं, मेरी एक दादी है। मेरे पापा मुर्गा का व्यापारी करते हैं, जो तबीयत खराब होने के वजह से अभी नहीं चलता है। मैं नर्स बनना चाहती हूँ, लेकिन मैंने आर्ट्स लिया इसीलिए मैं नर्स बहुत जगह में साइंस लेकर नर्स बना जाता है, इसीलिए मैं अब ज्योग्राफी का टीचर मैं बनूँगी। मेरे घर में मनी की प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ। उसके लिए मैं ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। मुझे मेरा हॉबी मेहंदी लगाना, आईब्रो बनाना, उससे भी मैं कर सकती हूँ। पैसा की सुविधा के लिए मैं 12th के बाद ट्यूशन या फिर ब्यूटीशियन में ज्वाइन करूँगी, इसके बाद मैं आगे की पढ़ाई जारी रखूँगी। धन्यवाद। मेरा नाम मनीष कुमार शाह है, मैं क्लास 12वीं का छात्र हूँ। मैं आठ संख्या से पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम प्लस टू आर के एच एस पढ़ा पाकुड़ झारखंड का। हमारे स्कूल में आज मैम आई हम करियर काउंसलिंग के बारे में बताने बनना चाहता हूँ। मैं UPSC निकालना चाहता हूँ। इस 12वीं के बाद मैं पहले BA किसी भी सब्जेक्ट से जो भी मेरा ऑनर्स रहेगा मैं उससे करूँगा। इसके लिए मुझे फैमिली प्रॉब्लम हो रही है, ताकि मेरा जो फैमिली प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसके अकॉर्डिंग मेरे माता पिता कह रहे हैं कि आप काम कीजिए। माता पिता बोले हैं कि आप IAS बन सकते हैं तो आप बनिए, परंतु आपका एक मनी प्रॉब्लम है, तो इसमें आप मनी को तो मैम आई हैं आज। मैम ने बताया कि स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम होता है उससे मैं मनी अपना अर्जित कर सकता हूँ या ले सकता हूँ, उससे मैं पढ़ सकता हूँ आगे जाके। तो यही मेरी प्रॉब्लम थी। मेरे पापा एक टेलर हैं, पापा दर्जी का काम हम भी हाथ बटाते हैं, उससे मैं पैसा कमा सकता हूँ, कुछ उससे अर्निंग करके मैं ट्यूशन भी पढ़ा सकता हूँ और IAS बनने के लिए मैं अपना UPSC का तैयारी बहुत अच्छी ढंग से कर सकता हूँ। मेरी ये क्षमता है, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने की मिली है काउंसलिंग से। जैसे हम मेरे पापा दर्जी हैं तो हम टेलर सीखे हैं कुछ, तो इससे हम फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, तो उससे हम करेंगे। उसके बाद IAS बनेंगे। IAS बनने के लिए स्कॉलरशिप डालेंगे झारखंड की ओर से, जो मदद मिलेगी और जो इंडिया लेवल में जो मदद मिलेगी उससे मैं कोशिश करूँगा। करियर काउंसलिंग जो मैम है उन सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। यह पूरी यात्रा है कि कैसे मेरे मेंटर ने यहाँ के बच्चों की मदद की है और हमें इन बच्चों को उनके लक्ष्य चुनने में मदद करके और उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर बहुत खुशी हुई है। हम सभी पाकुड़ DC को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके बिना यह काम सफल नहीं हो पाया।